वीडियो अबाउट रॉलेट लॉ और आइडियल आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन. सी हम सबको ना ये तो याद हो ही जाता है कि ओबे रॉलेट लॉ आइडियल गैसेस फॉलो करते हैं, वही नॉन आइडियल गैसेस फॉलो नहीं करते. लेकिन क्या होता है कि हम ना एग्जांपल याद नहीं कर पाते, और एग्जांपल जब पेपर में ऑब्जेक्टिव में आता है तो हम बहुत बुरी तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं. तो इसके अंदर मैं थोड़ा बेसिक बता देती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कि हमें एग्जाम्पल्स कैसे याद करने हैं. सो हमारे जो आइडियल गैसेज होते हैं, आइडियल सोल्यूशंस होते हैं, वो रॉलेट लॉ ऑबे करते हैं, ये तो हमें पता ही. अब इसमें पता है डेल्टा एच इज इक्वल्स टू जीरो है, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू जीरो. अब एक चीज़ जो हमें ट्रिक दिमाग में बहुत अच्छे से याद रखनी है कि एस सभी में ही जीरो से बड़ा है और जी सभी में ही जीरो से छोटा है. सब कई केस ऐसा है. तो अगर ऐसे पेपर में ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं कि आपको बताना है पॉजिटिव के लिए कि क्या सिचुएशंस होंगे, तो आपको तो ये पता ही है कि डेल्टा एस सबके लिए पॉजिटिव होगा और डेल्टा जी सबके लिए जीरो से कम होगा. अब क्या बताना है कि पॉजिटिव अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं तो डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा बी भी पॉजिटिव हो जाएगा, और वही डेल्टा एच नेगेटिव और डेल्टा बी नेगेटिव हो जाएगा हमें बस नेगेटिव के लिए. अब इसके एग्जांपल्स कैसे याद करने हैं वो मैं आपको बताती हूँ. सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे आइडियल सॉल्यूशंस के लिए. अब देखो इसके लिए एक एग्जांपल जो कि फेमस होता है, जो कि हर जगह पूछा ही जाता है, एन हेप्टेन और एन हेक्सेन वाला, जो कि मैं लिख देती हूँ. एन हेप्टेन और एन हेक्सेन वाला जो यूजुअली पूछ ही लेते हैं, एन हेक्सेन है ना. अब क्या चीज़ है कि इसके अंदर एक और एग्जांपल है बेंजीन प्लस टाउलिन, ये तो याद कर ही लो ठीक है. इसके अंदर जो हम पॉजिटिव और नेगेटिव में आते हैं, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस किसके होते हैं, सोचो एसीटोन के साथ होते हैं. अब मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, आइडियल वाले जो होते हैं, ये जो आइडियल वाले हैं, ये एसीटोन के साथ सॉल्यूशन नहीं करते हैं. तो मतलब अगर आपको एसीटोन दिख रहा है और आपसे पूछा जा रहा है कि पॉजिटिव या नेगेटिव बताना है, तो या फिर आइडियल सॉल्यूशन का क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन बताना है, अगर किसी में एसीटोन यूज हुआ है तो वो आएगा ही नहीं हमारे आंसर में, तो इसका मतलब वो आइडियल सॉल्यूशन तो होगा ही. इसके बाद में मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव में ही एसीटोन यूज़ किया जा सकता है. अब हमारे जितने भी सारे एसीटोन होते हैं ना, आप देखोगे तो एसीटोन अलग अलग है. सी ये जो मैंने अब जो कुछ भी पिंक से लिखा हुआ है ना, वो उसके अंदर मतलब इंक्लूडेड नहीं है. लाइक हमारे जो एसीटोन्स हैं वो सिर्फ हमें पॉजिटिव और नेगेटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशंस देते हैं, वो हमें आइडियल सॉल्यूशंस नहीं देते. तो अगर कहीं पे भी हमें एसीटोन दिखेगा तो हमें ये तो क्लियर होगा कि हमारा यह आइडियल सॉल्यूशन नहीं दे रहा है. इसलिए मैंने इसमें क्लियर के लिए कहा है डजंट शो सॉल्यूशन विद एसीटोन ठीक है. अब क्या जो हम पॉजिटिव वाले पे आते हैं, पॉजिटिव जो है वो डजंट शो सॉल्यूशन विद HNO3. मतलब देख अब सिंपल है, पॉजिटिव में हमारा HNO3 के साथ सॉल्यूशन नहीं होगा. अगर हमें ऑब्जेक्टिव में आता है कि अब आप हमें ये बताइए कि पॉजिटिव सॉल्यूशन क्या होगा, तो पहले ही हम एलिमिनेट कर सकते हैं अगर कोई HNO3 के साथ सॉल्यूशन होगा तो ठीक है. तो ये था छोटू सा ट्रिक याद करने का. अब एसीटोन से पॉजिटिव और नेगेटिव शो करते हैं करेक्ट. तो पॉजिटिव वाले में ना बहुत सारे एग्जाम्पल NCERT में भी हैं, इफ़ यू आर स्टडिंग फ्रॉम एनी कोचिंग वहाँ से भी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे. बट नेगेटिव में सिर्फ एक एग्जाम्पल है जो कि आपको याद रखना है, एसीटोन प्लस एनिलीन. ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है नेगेटिव का. अगर ये आता है तो इनकेस इसे याद रखो कि एसीटोन प्लस एनिलीन आता है तो ये नेगेटिव का है, दैट्स ऑल. इसके सवाल कुछ याद करने की जरूरत नहीं है. एंड आई होप सो यू विल लाइक दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.